नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं एएनवी न्यूज़ बुलेटिन। की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4-5 सितंबर को रूस की यात्रा पर रहेंगे। इस यात्रा से पहले भारत में रूस के राजदूत निकोलाई कुदाशेव ने कहा कि पीएम मोदी रूस यात्रा से दोनों देशों के पहले से मजबूत संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। कुदाशेव ने कहा कि दोनों पक्ष रक्षा, व्यापार, असैन्य परमाणु क्षेत्र, ऊर्जा, हाइड्रोकार्बन सहित अनेक क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। वहीं कश्मीर मामले पर राजदूत कुदाशेव ने कहा कि कश्मीर भारत का आंतरिक मसला है, भारत और पाकिस्तान को ये विवाद द्विपक्षीय वार्ता से सुलझाना होगा। पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में धमाकों की साजिश रच रहा है। भारत में हमलों के लिए लश्कर वाराणसी में अपना बेस कैंप बनाने की फिराक में है। ये दावा खुफिया विभाग के हवाले से किया जा रहा है। इंटेलिजेंस सूत्रों के मुताबिक दो आतंकी 7 मई से 11 मई के बीच वाराणसी के गेस्ट हाउस में रुके थे। ये दोनों आतंकी अपना संगठन बढ़ाने की कोशिशें कर रहे हैं। हालांकि वाराणसी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है और सुरक्षा एजेंसियां लगातार यहां पर पैनी नजर रख रही है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने के बाद उठे विवाद पर सफाई दी है। केरल के त्रिवंतपुरम से सांसद थरूर ने साफ किया कि वे भारतीय जनता पार्टी सरकार के कड़े आलोचक हैं। उन्होंने कभी पीएम मोदी को सही नहीं ठहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथित तारीफ पर केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुल्लापल्ली रामचंद्रन ने शशि थरूर से स्पष्टीकरण मांगा था, जिसका जवाब देते हुए थरूर ने कहा कि मैं मोदी सरकार का मुखर आलोचक रहा हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि वे संसद में 50 से ज़्यादा बार हस्तक्षेप कर चुके हैं और 17 विधायकों के खिलाफ साहस और दृढ़ता से अपनी बात रख चुके हैं। आपको बता दें, शशि थरूर ने बयान दिया था कि प्रधानमंत्री अगर सही काम कर रहे हैं तो उनकी प्रशंसा होनी चाहिए, जिसके बाद राजनीति गर्मा गई। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 के प्रावधानों को खत्म किए जाने के बाद वहां लगी पाबंदियों में धीरे धीरे ढील दी जा रही है। इसके अलावा सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विकास का खाका खींचना भी शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने ऐलान किया कि अगले 2 से 3 महीने में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 50,000 सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती होगी। उन्होंने ये भी कहा कि 1-2 दिन में कश्मीर के विकास के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती है। अगले महीने भारतीय वायुसेना की ताकत और भी बढ़ जाएगी। भारतीय वायुसेना को सितंबर माह में स्पाइस 2000 बम का एडवांस वर्जन मिलेगा। स्पाइस 2000 को बिल्डिंग ब्लास्टर के रूप में जाना जाता है। बता दें कि बालाकोट हवाई हमले में स्पाइस 2000 बम का इस्तेमाल हुआ था।